दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इतने सारे प्रोटीन्स आजकल बने हुए हैं कि आप लोगों के समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा प्रोटीन खाऊं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं, जो सप्लीमेंटेशन जो ये सब रहते हैं ये सिर्फ एक ऐड ऑन रहते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आप लोगों को अच्छा बिल्डअप करना है तो 90% आपका जो रहता है घर का खाना जिसमें आप खाते हो, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, अगर आप ये सब चीज़ों का सेवन करते हो तो आपको सप्लीमेंटेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अभी मैं चलता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हमारी बॉडी जो रहती है वो तीन टाइप की रहती है, एक एक्टोमॉर्फ, एक मेसोमॉर्फ और एक एंडोमॉर्फ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्टोमॉर्फ के बारे में। एक्टोमॉर्फ वो रहते हैं जिनके शरीर के ऊपर, हड्डियों के ऊपर से मांस लड़ा रहता है, जो काफ़ी पतले रहते हैं, जिसे हम कांडी बोलते हैं, सुकड़ पहलवान बोलते हैं ये हमारी लैंग्वेज में, लेकिन हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं स्किनी पर्सन, जो काफ़ी पतला रहता है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, अगर उनको सप्लीमेंट ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर, तो उनको क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है? उनको जो रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत रहती है। तीनों कैटेगरी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। तो ये चीज़ समझ जाना, उसके आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स आते हैं, वेयर एंड टेयर होता है मसल के लिए वगैरह वगैरह। तो बात करेंगे एक्टोमॉर्फ के बारे में। एक्टोमॉर्फ में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो आपको कैलोरीज कहाँ पर मिलेगी? मेन आपकी जो डाइट है, आलू हो गया, बनाना हो गया, राइस हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, तो ये सब स्टार्ची फूड हो गया, हाई कैलोरी फूड हो गए, मास गेनर्स। तो चलेंगे मास गेनर्स के ऊपर। सो एक्टोमॉर्फिक जो लोग हैं उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है मास गेनर्स। मास गेनर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, आप चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास गेनर में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज रहती है, उसमें राउंड अबाउट 2 स्कूप, जो 70 to 80 ग्राम का जो स्कूप रहता है, एक 40-40 ग्राम का स्कूप रहता है, दोनों को मिला के 300 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, वो आपको वे प्रोटीन में नहीं मिल पाती। तो अगर आप बाकी के सोर्सेज से अगर आप जो है प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो घर से, तो आप एक्स्ट्रा मास गेनर ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज जो है लेने के लिए, जिसकी वजह से आपका जो है वेट बढ़ेगा। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो पतले हैं, जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच है जो एवरेज है, और उनका वजन 50-55 किलो है, वो अंडर वेट है। अगर आपका वजन 70 है तो आप ओके हैं, तो वो मैं दूसरे पार्ट पर चलूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, अगर आप अंडर वेट हो तो आप लोगों जो है मास गेनर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अभी अंडरवेट कैसे? फॉर एन एग्जांपल, एक एवरेज पर्सन जो इंडिया में होता है वो 5 फुट 8 इंच का होता है, ओके? तो उसका वजन कितना रहना चाहिए? तो 58 प्लस उसमें 10 ऐड कर लो जेंट्स के लिए, 68। अगर आपका वजन 68 से अंदर है तो आप अंडरवेट हो, 66, 65, 64 तो आप अंडरवेट हो, तो आपको मास गेनर ही चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा करके वो एक्टोमॉर्फिक रहते हैं, पतले एकदम दुबले। चलते हैं दूसरे वाले के ऊपर, वो है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ मोस्टली पता है कैसे रहते हैं? मेरे जैसे मेसोमॉर्फ ऐसे रहते हैं कि अगर मैं अपने आप को पतला करना चाहूँ या मोंटू अपने आप को पतला करना चाहे, तो वो एक्टोमॉर्फ भी बन सकता है, एंडोमॉर्फ भी बन सकता है। इस करके नाम मेसोमॉर्फ है, जो दोनों के जैसा बन सकता है, लेकिन पहले वाला तीसरे वाला नहीं बन सकता, तीसरे वाला पहले वाला नहीं बन सकता है। जो रिसेंटली जो अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई है वो मेसोमॉर्फ की हुई है। इसका रीज़न ये है कि जो अच्छे शेप में थे वो अभी शेपलेस हो गए। मैं मेरा भी एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने भी पुट ऑन किया हुआ, रेगुलर वर्कआउट नहीं होगा, इंटेंसिटी एंड ऑल सब छूट गया है। तो मेसोमॉर्फ के लिए जो प्रोटीन के बारे में मैं सजेशन करूँगा, उनको मास गेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको अपने आपको मेंटेन करना है, एक अच्छी फिजिक रखनी है, तो मास गेनर उनके लिए नहीं है। उनके लिए रहेगा ब्लेंड रह सकता है, हाइड्रोलाइज रह सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड रह सकता है, जिसमें कार्ब्स की मात्रा कम हो। जो मेसोमॉर्फ रहते हैं उन लोगों को कार्ब्स की मात्रा जो है कम चाहिए, चलेगा? अगर एक स्कूप में अगर 2 से 3 ग्राम अगर कार्ब्स भी आ जाता है जो कॉन्सेंट्रेटेड में आ जाता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बजट के हिसाब से जो है इसमें काम करना है। अगर आप चाहें तो हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं एज इट इज़ का, जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड जो वीडियो बना के रखा हुआ है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो पॉइंट नंबर 2 है, जो सेकेंड बॉडी टाइप होती है वो है मेसोमॉर्फ। तो उनके लिए ब्लेंड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो ये जो है वो ले सकते हैं, इवन आइसोलेट भी ले सकते हैं अगर वो बॉडी बिल्डिंग फेज में जा रहे हैं। सो चलेंगे हमारे सबसे लास्ट कैटेगरी के ऊपर, वो है एंडोमॉर्फ। दोस्तों एंडोमॉर्फ पता है कैसे रहते हैं? उनका हाइट रहती है 5 फुट 8 इंच, वजन रहता है 100 किलो 125 किलो, वो ओबीस एंड हाई ओबीस रहते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम रहती है? उनको घुटने में तकलीफ,
ज़्यादा चलेंगे तो सांस फूलने लग जाती है, हार्ट में इश्यूज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओबीज है, हाई ओबीज भी हो सकते हैं। तो ओवरवेट के तो ऊपर ही निकल जाता है, कहा जाता है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, फिर ओबीज, फिर हाई ओबीज। तो उन लोगों के लिए मैं क्या सजेशन दूंगा मालूम है? सिर्फ आइसोलेट। अगर वो सप्लीमेंटेशन ऐड करना चाहे तो, मैं सप्लीमेंटेशन में ज़रूरी नहीं हूँ बोलता हूँ लेने के लिए, जब भी ज़रूरत है तो लो। तो ये सिर्फ सप्लीमेंट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सप्लीमेंटेशन के लिए आप लोगों के लिए आइसोलेट, क्योंकि आइसोलेट ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कार्ब्स, कम्प्लीटली रिफाइंड रहता है, थोड़ा महंगा रहता है लेकिन वो अच्छा रहता है डायबिटीज़ वालों के लिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। और जिनको जल्दी वजन कम करना है, आपको जो बोला है डाइटिशियन ने कि आपको एकदम कार्ब्स कम रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करना है, हार्ट आपका वीक है, सांस फूलने लग जाती है, तो उन जैसे लोगों के लिए आइसोलेट ही काम में आता है, क्योंकि इसमें ज़ीरो शुगर है, ज़ीरो कार्ब्स है। तो तीन कैटेगरीज आ गई है, मैं एक बार वापस से रिवाइंड करता हूँ। मास गेनर्स जो रहता है वो एक्टोमॉर्फ वालों के लिए रहता है, ब्लेंड, कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज जो रहता है वो जो रहता है मेसोमॉर्फ के लिए, और एंडोमॉर्फ वालों के लिए मैं सिर्फ आइसोलेट ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। तो तीन कैटेगरी समझ में आ गई है आप लोगों को, सब आपको क्लियर हो गया है? क्योंकि आप लोगों के हमेशा ये सवाल आते हैं कि मैं अंडरवेट हूँ, मैं क्या लूँ, तो वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? आपको एक एक डिटेल समझ में आ गई है, कुछ नहीं समझ में आ रही नीचे कमेंट करिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा फिटनेस फाइटर्स के लिए। हम लोग ने रिसेंटली जो है 100 मिलियन व्यूज़ जो है पूरे किए, एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरी और मोंटू की तरफ से आप लोगों को दिल से शुक्रिया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी, उसे भी जाके आप फॉलो करिएगा। सो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।